Students, today's topic is educational philosophy of Jiddu Krishnamurti. So I have a presentation. I shall do the presentation and then we will discuss about the educational philosophy of J. Krishnamurti. So, जैसा आप सभी हम लोगों ने भी बात की, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति इज आवर टॉपिक टुडे. जिद्दू कृष्णमूर्ति इज वन ऑफ दोज मॉडर्न सीयर्स, थिंकर्स, टीचर, रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर हु हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन. ही कैन बी, उनको हम ट्रूली कह सकते हैं कि वो एक रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर हैं, थिंकर हैं, रिफॉर्मर हैं. और वेरी ट्रूली दलाई लामा ने उनको रेफर करते हुए कहा है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द एज. टाइम्स मैगजीन के द्वारा इनको जो है 20th सेंचुरी का कहा गया है कि ही इज वन ऑफ द फाइव सेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. अब हम शुरुआत में पहले उनके जो है अर्ली लाइफ के बारे में बातें करते हैं, देन वी विल मूव टू द फिलोसफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति. जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है 11 मई 1895 में मदनापल्ले, एक छोटे से प्रांत मदनापल्ले इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज इन सदर्न इंडिया, वहाँ हुआ था. हिज फादर वॉज एन ऑफिशियल इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. बाद में उनके पिताजी जब रिटायर हो गए, आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही ज्वाइंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी विच वॉज एट दैट टाइम इन मद्रास. And from at that time, Krishnamurti got to meet Dr. Annie Besant. Dr. Annie Besant जो है वो president थी Theosophical Society की, और Krishnamurti के पिताजी after his retirement वो उस Theosophical Society में काम करते थे. और इस तरह से Dr. Annie Besant ने first time Krishnamurti को देखा. And since she belonged from the Theosophical Society, she was the president of the Theosophical Society. When she saw Krishnamurti, उनको उसमें जो है कुछ ऐसे spiritual qualities दिखे. और इस तरह से Mrs. Dr. Annie Besant जो है वो थियोसोफिस्ट का यह मानना था कि ईस्ट में एक वर्ल्ड टीचर, एक विश्व गुरु की जो है वो पैदा हुए हैं, एंड हु विल बी ब्रिंगिंग इमेंसिपेशन टू द वर्ल्ड. तो इस तरह से थियोसोफिस्ट जो है ईस्ट में किसी एक ऐसे बच्चे की तलाश में थे जिसमें कि इस तरह से विश्व गुरु के गुण जो है वो नहीं हो. तो वह गुण उन्हें जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति में दिखा. एंड इस तरह से जो है कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर नित्यानंद को डॉक्टर एनी बेसेंट जो है वो अडॉप्ट कर लेती है. एंड आफ्टर दिस डॉक्टर एनी बेसेंट और जो दूसरे थियोसोफिस्ट थे, दे प्रोक्लेम्ड कृष्णमूर्ति एज द व्हीकल फॉर द वर्ल्ड टीचर हु वाज कमिंग, एंड इन देयर वर्ड्स टू ब्रिंग सेल्वेशन टू माइनकाइंड. उनका सोचना था कि एक विश्व गुरु जो कि जो ह्यूमन काइंड के जो सफरिंग्स हैं उससे उन्हें सेल्वेशन के लिए एक वर्ल्ड टीचर का जन्म जो है वो पूर्व में हो चुका है. और इस तरह से उन्होंने उसमें वो सभी गुण कृष्णमूर्ति में दिखा, और इस तरह से उन्होंने उसको एक वर्ल्ड टीचर के रूप में प्रोक्लेम कर दिया. लेटर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द कमिंग ऑफ द वर्ल्ड टीचर, an organization called the Order of the Star in the East was formed in 1911 with Krishnamurti as its head. Krishnamurti head karte hue unhone Order of the Star naam se ek sanstha khola, jiske head jo hai Krishnamurti the. Although Krishnamurti underwent all the training and education befitting a budding world teacher, he developed an independent perspective about the nature of inquiry and about his own role in the pursuit of the good society. तो वो उनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में 10 साल हुई, उन्हें जो है एक वर्ल्ड टीचर के लिए ग्रूम किया गया थियोसोफिस्ट के द्वारा. लेकिन उन्होंने 3 अगस्त 1929 में ये जो उनको वर्ल्ड विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी, जो वो थियोसोफिस्ट संस्था थी,
उस संस्था से वो अपने आप को अलग कर लेते हैं और उनका एक बहुत फेमस स्पीच जिससे उन्होंने अपने आप को अलग किया दैट आई वुड लाइक टू कोट ही सेड दैट ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड एंड यू कैनॉट अप्रोच इट बाय एनी पाथ व्हाटसोएवर बाय एनी रिलीजन बाय एनी सेक्ट truth being limitless unconditioned unapproachable by any path whatsoever cannot be organized nor should any organization be formed to lead or coerce people along any particular path so is tarah se unka manna tha ki truth jo hai wo ek pathless land hai truth jo hai wo kisi ek panth kisi ek vichardhara kisi ek dharm sampraday ke madhyam se pahunchne ka rasta jo hai satya tak bilkul nahi pahuncha ja sakta क्योंकि जब तक अनकंडीशन माइंड ना हो जब तक हम जो नोन चीजें हैं जो हमारे धर्म संस्कृति इन चीजों से जब तक हम बंधे होते हैं unless and until we free ourselves, उन्होंने टोटल फ्रीडम की बात की उनका मानना था कि व्यक्ति जब तक पूर्ण रूप से इन सभी बंधनों से धर्म संप्रदाय राष्ट्र इससे जब तक वो अपने आप को अनकंडीशन नहीं करता है तब तक वह जो है वो सत्य और ज्ञान तक प्राप्त नहीं कर सकता पहुंच नहीं सकता सो उनका मानना था कि perceives that the modern world is in serious crisis and it is due to our tendency to remain unconditioned हम जो है कंडीशनड है जो चीजें हम जानते हैं जैसे जन्म के साथ जो हमारी संस्कृति हमारे साथ मिलती है जो कल्चर मिलता है जो हम धर्म अपने परिवार ट्रेडिशंस डॉगमास बिलीव्स इन सब से जो से हम जुड़े रहते हैं और यही कारण है आज आज जितना भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो द्वेष है जो द्वंद है उसका कारण जो है यही कंडीशन माइंड है और जब तक हम इस कंडीशन माइंड से ऊपर नहीं उठते हैं अपने आप को फ्री नहीं करते फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ दिस रिलीजन एंड सेक्ट एंड अदर थिंग्स वी कैन नॉट बी अनकंडीशन एंड एन अनकंडीशन माइंड अकॉर्डिंग टू हिम कैन ओनली सीक ट्रुथ उनका मानना था कि कंडीशन माइंड ही सेज कैनॉट लर्न हम सीख ही नहीं सकते सीखने के लिए एक अनकंडीशन माइंड का होना बहुत आवश्यक है फ्री माइंड का होना बहुत आवश्यक है और उसके बिना हम कोई भी चीज को सीख नहीं पाते तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आवर माइंड्स आर कंडीशन उनका मानना था कि हमारा माइंड्स जो है वो कंडीशन होता है बाय अ पर्टिकुलर कल्चर हम जिस कल्चर में बॉर्न करते हैं उसके इंप्रेशंस उसके इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन पर रहते हैं और इसी कारण से हम उससे अलग हट करके सत्य को बिल्कुल सत्य के राह पर हम नहीं जा सकते जब तक हम उन कंडीशंस से जिसके कारण फियर है उससे जब तक हम फ्रीडम नहीं लेंगे तब तक वी कैन नॉट रीच टू द ट्रुथ और द नॉलेज दूसरी बात जो हम कृष्णमूर्ति के फिलॉसफी पर आते हैं तो कृष्णमूर्ति ने जो बाहरी पक्ष है जैसे सोशल चेंज की हम बात करते हैं या पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो कृष्णमूर्ति इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंटरनल जो आंतरिक पक्ष है उसके उसके अवेकनिंग की उसके जागने की बात जो है वो करते हैं एंड ही सेज दैट एजुकेशन शुड बी सच दैट इट कैन लिबरेट द लर्नर्स फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्डेज एंड डॉग्मास तो ऐसी शिक्षा शिक्षा के ही माध्यम से जो हमारा सोल है जो हमारी आत्मा है उसको जब तक हम जागृत नहीं करेंगे और ये एक इंटरनल प्रक्रिया है जब तक हम उसको जागृत नहीं करते तब तक हम कोई भी बाहरी परिवर्तन जो है वो नहीं ला सकते He inspires us to begin a quest within the soul in order to understand the entire process of one's consciousness jo hamara chetna hai us chetna ko samajhne ke liye hame jo hai apne aantrik apne andar jo hai journey should be from within not outside dusri baat wo kehte hain awakening of consciousness and intelligence unka manna hai ki jo knowledge hai aur intelligence hai wo dono alag cheeze hain कृष्णमूर्ति को इस तरह से हम एक बहुत रिवोल्यूशनरी टीचर की तरह मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो हम जब तक जो है हमारा unless and until our intelligence is awakened, unless and until we awaken our sense of responsibility, our consciousness is awakened, we cannot reach to the path of knowledge.
तो इसके लिए उन्होंने एक राइट एजुकेशन की बात की है, सही शिक्षा की बात की है. और यह जो राइट एजुकेशन है, दिस इज टॉकिंग इन अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव व्हिच टॉक्स अबाउट द इंटरनल अवेकनिंग ऑफ द सोल, द कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलिजेंस. एंड इट इज नॉट नॉट टॉकिंग ऑफ द टेम्पररी सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बट द वाइडर प्रॉब्लम्स. इस तरह से उन्होंने नॉलेज और इंटेलिजेंस को सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट किया है. अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज. नॉलेज गिव्स यू कैपेसिटी, पोजीशन, स्टेटस, बट नॉलेज डजंट गिव यू लव, नॉलेज डजंट गिव यू कंपैशन. फॉर दैट इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, एंड ट्रू एजुकेशन इज समथिंग विच कैन इंस्टिल दैट इंटेलिजेंस विद इन. जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसको हम सही शिक्षा के माध्यम से, जो हमारा आंतरिक विवेक है, उसको, उसकी चेतना को जागृत करना ही सही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. और उनका मानना था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो ज्यादा जो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है, द मॉडर्न एजुकेशन इज एम्फसाइजिंग अपॉन द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान है. और इस तरह से जो हमारा एफेक्टिव, जो भावात्मक पक्ष है, जो क्रियात्मक पक्ष है, जो स्किल डोमेन है, उसमें इस तरह से नहीं है. और ज्यादातर जो हमारी जो करेंट की शिक्षा है, वो शिक्षा जो है, जो हमारा माइंड, बॉडी एंड हार्ट, जो इसका एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो हमारा मन है, शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, और हमारी हमारे हमारी जो आत्मा है, हमारा हृदय है, उन सब के बीच में जब तक इंटीग्रेशन, समन्वय नहीं होगा, तब तक जो है व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है. और आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उनका मानना था कि वो इसमें विफल है. सो इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू परसीव द एसेंशियल and what is, and to awaken this capacity in oneself and others. And that is for what education is. Education ka kaam hai ki wo aapke bheetar intelligence paida kare. And what is intelligence? It is capacity to perceive beyond the conditions. Jo aapke conditioned mind hai, usse beyond ja karke jo aap cheezon ko dekh paate, sun paate, samajh paate, aur us capacity ko awaken karna, jagrit karna hi shiksha ka mool dhyay hona chahiye. कृष्णमूर्ति को हम बिल्कुल एक रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर, एक रिवोल्यूशनरी थिंकर के रूप में, हेलो, एक हम एक बिल्कुल एक हम जो है रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रकार की, ही डिनाउंस ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी. उनका मानना था वो किसी भी प्रकार के गुरुहुड को किसी भी प्रकार के अथॉरिटी को वो बिल्कुल डिनाउंस करते हैं. एंड ही इज ट्रूली एंटी फाउंडेशनल. ही सेज नो गुरु, नो बुक, नॉट फ्रॉम बुक्स, नॉट फ्रॉम फिलोसोफर्स, नॉट फ्रॉम प्रोफेसर्स, बट टू लर्न फ्रॉम योरसेल्फ. उनका मानना था कि जो हमारी नॉलेज की जो जर्नी है, द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी फ्रॉम विद इन. जैसे हम अगर इसको हम कहीं ना कहीं जो हमारे बुद्ध की फिलॉसफी है उससे हम जोड़ते हुए, जैसे बुद्ध ने कहा अपदीपो भवा, यानी कि आप अपना प्रकाश स्वयं बने, उसी तरह से कृष्णमूर्ति जो है किसी भी प्रकार के अथॉरिटी को, डॉगमा को, बिलीफ को, पंथ को, धर्म को वो बिल्कुल नकारते हैं. और उनका मानना है कि किसी किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से हम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पुस्तक में कुछ लिखा है, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा है, तो वो उस व्यक्ति, जो वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने उस पुस्तक को लिखा है, उसके जो कल्चरल कंडीशनिंग है, उसकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जिसकी जो कंडीशनिंग है, उसी के अनुरूप वो पुस्तक या उसकी जो भी बातें हैं, जो थॉट्स है, वो होंगी. तो अब आपको खुद सत्य तक पहुंचना है, तो यू हैव टू डिनाउंस द अथॉरिटी ऑफ एनी रिलीजियस बुक, a religious guru or philosopher. And this journey has to of understanding has to be discarded, starts only by discarding every kind of authority. Yani ki jo guruhood hai, जो हम खासकर जैसे हिंदू धर्म में इसको बहुत वरीयता दी गई, एक तरह से बिल्कुल रिवोल्यूशनरी थिंकर है जिन्होंने इस गुरुहुड को, इस अथॉरिटी को, टीचर को की जो अवधारणा है, उसको बिल्कुल उन्होंने नकार दिया. बी अ लाइट टू आवरसेल्फ्स, जैसा
अपदीपो भवा, आप जो है अपना प्रकार स्वयं बने, फ्री फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस, ऑल अथॉरिटी, एंड देन ओनली यू कैन ऑब्जर्व, तभी जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं. सो another quote, just I'm trying to reiterate what his meaning, that truth of another is not truth, because every individual according to him is conditioned by one's cultural background. तो किसी एक व्यक्ति का सत्य जो है वो कभी भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है. उनका he is totally irreligious. वो किसी भी धर्म को, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, रिलीजन से उनका मतलब जो है धर्म नहीं है. वो किसी ही वॉज टोटली ही एडवोकेटेड ए सेकुलर डिक्टम. उनका मानना था कि किसी भी प्रकार का जो ये विभाजन है, जब हम पंथों में बट जाते हैं, राष्ट्रों में बट जाते हैं, अलग अलग विचारधारा में बट जाते हैं, तो दैट इज वायलेंस. That leads to destruction, that leads to conflict, that is violent in nature. So he says that no book will teach you about it. Not the Gita, not the Upanishad, not the Quran or the Bible. Because books are vogue, however sacred they are. So you have to go into yourself. Unka manna tha ki agar aapko satya ki prapti, this is a pathless land. Us journey pe aapko khud jana hai. Religion for him is a spirituality that entails a pathless way. Yani ki unke anaan se religion ko wo ek adhyatmikta spirituality se jodte hai, jo ki pathless land hai, jispe kisi panth ho, kisi path ke dwara dikhaye huye raaste se aap nahi pahunch sakte. Unless and until jab tak ki aap bilkul detached nahi hote hai, of all the sects, of all the paths, you cannot reach to that spirituality and the path of truth. फिर जैसा हमने कहा कि उनका मानना था कि जब हम अपने आप को इंडियन कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं या हिंदू कहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वायलेंट हैं. सो एक तरह से देखिए उनकी जो विचारधारा है वो किस तरह से ही इज लाइक वो अपने आप को, इसीलिए उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी से भी खुद को इसीलिए अलग किया, क्योंकि उनको वो किसी एक पंथ से, किसी एक विचारधारा से अपने आप को जोड़कर नहीं रखना चाहते. और इसीलिए उन्होंने टोटली फॉर द फ्रीडम ऑफ द मैनकाइंड, फ्रीडम फ्रॉम ऑल चेन्स, ऑल द चेन्स विच बाइंड द मैनकाइंड. और वो कहते हैं कि ये जो है, ये सारे डिविजन्स जो हैं, इट इज वायलेंट बिकॉज इट इज सेपरेटिंग वन मैन फ्रॉम द अदर. तो एक तरह से बिल्कुल मानवतावादी फिलॉसफी, यू कैन से द ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग. ही इवन सेड दैट आई एम नॉट स्टार्टिंग एनी रिलीजन, I don't wish to start any religion. Rather, I want to free man from the chains of all these religions and sects. So religion for him, जो है वो एक इस तरह से वो एक good society, एक समाज बनाने की परिकल्पना करते हैं, लेकिन वह एक moral ग्राउंड पे वो बात करते हैं, जिसमें कि कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं, बल्कि खुद के एक इंटरनल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालिसिस. तो एक तरह से वो एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात करते हैं. अगर उनकी फिलॉसफी को देखा जाए तो ये कहा जाए कि इज टॉकिंग अबाउट ए म्यूटेशन इन द ह्यूमन माइंड, ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ए टोटल रिवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन माइंड विच इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उससे जब हम उसको फ्री करें, एंड अ प्रोसेस ऑफ इनर डिस्कवरी, एक सेल्फ एनालिसिस, स्व विश्लेषण, स्व का अवलोकन, स्व का अन्वेषण जो है कि वो एक आंतरिक अन्वेषण की वो बात करते हैं. सो देयर इज आल्सो नो कल्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. और उनका कहना था कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई ध्येय नहीं है. इट इज देयर इज ओनली द जर्नी, दिस पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, this path of self analysis is journey. It is, there is no end to it. The means is very important, and that means is unending. So unka kehna hai ki there is no path to reality. Jo vastavikta hai, jo reality hai, usko pahunchne ka koi ek path nahi hai jo ki aapko koi, aapka guru, aapka master teacher gives you that path, and you go to that path and reach to the truth, reach to the reality. He denounced that. Reality is not to be found through any path. It is to be found, it is a pathless land. It is to be found through the uncharted sea of self-knowledge.
और ये स्व के ज्ञान से, स्व के अवलोकन से, स्व के अन्वेषण से जो है उस तक हम पहुंच सकते हैं। कृष्णमूर्ति जो है वो कृष्णमूर्ति की 10 साल शिक्षा जो है कृष्णमूर्ति की इंग्लैंड में हुई, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। कृष्णमूर्ति वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज बिकॉज जो प्रेजेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कि हम असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, जिसको कि हम एक ग्रेड से जोड़ते हैं, कॉम्पिटिशन है, कंपेयर करते हैं, इन जो हमारी शिक्षा पद्धति में जो ये सब विशेषताएं हैं उनसे वो बहुत ही खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी अनहैप्पी एंड डिसकंटेंट विद द कंटेम्प्ररी एजुकेशन सिस्टम। He rigorously opposed the education system in breadth in which children are judged by their marks. बच्चों को हम marks के दायरे में, degrees से, उनको क्या profession जाना है, क्या वो आगे के जीवन में किस profession में जाएंगे, व्यवसाय में जाएंगे, किस तरह की वो training लेंगे जिससे कि उनको livelihood मिलेगा। हम अपने शिक्षा को बिल्कुल ये जो narrow perception है, जो narrow confinement है, उसमें हम शिक्षा को बिल्कुल जकड़ दिए हैं, एंड विच फॉर हिम फॉर विच ही वाज वेरी डिसकंटेंट एंड वेरी अनहैप्पी एंड ही बिलीव दैट दिस इज नॉट द ट्रू एजुकेशन। कृष्णमूर्ति के अनुसार से जो है हमारी जो शिक्षा है वो कोशिश करती है, जैसे हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की, हम बात करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो सोसाइटी की हमारी नॉर्म्स होती है उस नॉर्म्स के अनुरूप हम बच्चे को ढालने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन डज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आवर एजुकेशन ट्राइज टू फिट स्टूडेंट्स इन टू अ पर्टिकुलर फ्रेम और पैटर्न। वो उसको जो है एक पर्टिकुलर फ्रेम या पैटर्न में फिट करने का प्रयास करता है। एंड दिस सोसाइटी एज ए होल इज करप्ट, इज नॉट, इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फुल ऑफ बायसेस, प्रेजुडिसेस, डॉगमास, बिलीव्स, एंड दैट इन अ वे वी करप्ट द चाइल्ड। हम बच्चे का जो है अच्छा नहीं कर पाते, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो उसे और खराब कर देती है। सो उन्होंने राइट एजुकेशन की बात की है, which this right education will help the child to become highly sensitive. यानी कि जैसे उन्होंने पहले intelligence और knowledge में differentiate किया कि intelligence वह है जो कि हमको sensitive बनाता है to observe, and the highest form of sensitivity is the highest form of intelligence. उनका ये मानना, और ये सही शिक्षा का यही काम है कि वह हमारे भीतर ऐसे intelligence और sensitivity को build up करें। सो एजुकेशन उनके अनुसार से इज नॉट ओनली लर्निंग फॉर बुक्स, जो हम किताबों से सीखते हैं, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, बट ऑल्सो लर्निंग हाउ टू लुक, हाउ टू लिसन टू व्हाट द बुक्स आर सेइंग, वेदर दे आर सेइंग समथिंग ट्रू और फॉल्स। तो कृष्णमूर्ति मानते हैं कि हम किताबों से रट करके, फैक्ट्स को पढ़ करके जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं जो अधिगम है, वह अधिगम पूर्ण अधिगम नहीं है, लेकिन हम किस तरह से किसी चीज को समझते हैं, कैसे देखते हैं, परसेप्शन कैसे बिल्डअप करते हैं और अपना क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, वह शिक्षा का असल उद्देश्य होना चाहिए जो कि हमारे भीतर बिल्डअप हो। शिक्षा से उनका जो है एक होलिस्टिक अप्रोच की वो बात करते हैं। शिक्षा जो है, एजुकेशन मीन्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। होलिस्टिक यानी कि सिर्फ ब्रेन नहीं, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट ही नहीं, जो अफेक्टिव एस्पेक्ट्स है उस पर वो विशेष बात करते हैं कि आवर ब्रेन टू बी फ्री ऑफ द पेटी लिटिल सेल्फ। उन्होंने जो वर्ड स्पेसिफिक यूज किया है, जैसे पहले उन्होंने कहा कंडीशन माइंड, उन्होंने कहा pathless land, an unconditioned mind jo hai, that only can learn and have the choiceless awareness. Consciousness can build in that particular person only. Jo consciousness hai, jo self-discovery hai, wo tabhi sambhav hai jab hum unconditioned ho. Dusri baat jo keh rahe hai ki education aisa hona chahiye, hamari jo petty little self hai, usse jo hai hume wo free kare. To petty little self ka matlab unka hai hatred, jealousy, anger, ignorance, narrow thought, feeling. तो इस तरह के जो, यानी कि शिक्षा में के माध्यम से वो एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन, आंतरिक जो है एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे भीतर के जो भी निगेटिव है, एंगर, फियर, इग्नोरेंस, हेट्रेड, वो सब चीजों से हम ऊपर उठ सके, ऐसी शिक्षा जो है का होना चाहिए। इनर पीस एंड जॉय, राइट एजुकेशन से वो, राइट एजुकेशन मीन्स द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, फोस्टरिंग ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइफ
एंड दैट कैन क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड. उनका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से एक आनंद और शांति, जब तक हमारी जो आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति जो है हमारे भीतर सही शिक्षा के माध्यम से होने चाहिए. लेकिन आज की जो शिक्षा है वो कंपटीशन, वो प्रतिस्पर्धा, आपस में एक दूसरे से हम जलन, ईर्ष्या, ऐसे भाव को अगर उत्पन्न करती है, भय. अगर शिक्षा में जिस तरह से आप देखिए कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स है, तो एग्जाम के कारण हमारे भी तो फियर आता है. तो अगर फियर है, अगर शिक्षा हमारे भीतर फियर ही पैदा कर रही है, अगर वो हमारे भीतर कंपटीशन पैदा कर रही है जिससे हमारे भीतर जो है जेलसी पैदा कर रही, तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है. शिक्षा जो है इस तरह की होनी चाहिए जो कि एक इंटीग्रेटेड लाइफ, एक समेकित, एक एकीकृत जीवन हो जिसमें कि माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों जो हो आपस में एक दूसरे के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहे. ऐसी शिक्षा की वो बात करते हैं, विच इज थ्रू इनर पीस एंड जॉय, नो कंपैरिजन एंड कंपटीशन. कृष्णमूर्ति इज अगेंस्ट कंपैरिजन. उनको मानना है कि हम शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों में कंपेयर करते हैं, तो इससे जो बच्चे कुछ कम होते हैं, जैसे खुद कृष्णमूर्ति जो है पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, उनको शुरुआती दिनों में मंद बुद्धि का उनके टीचर्स कहते थे. तो इस तरह से क्या है, जो बच्चा पढ़ने में स्लो लर्नर है या मेंटली बहुत ज्यादा उस तरह से जीनियस चाइल्ड नहीं है, उसके भीतर एक इन्फीरियोरिटी, एक नेगेटिविटी, एक जेलसी पैदा होती है जो कि जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है. तो हमारे शिक्षा में कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं होना चाहिए. एंड इट टॉक्स ऑफ इनवर्ड फ्लावरिंग. सही शिक्षा वह है जो कि नैसर्गिक रूप से, जैसे एक फूल जो है, हर फूल चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो चमेली का हो, चाहे वो किसी भी फूल, गेंदे का फूल हो, हर फूल की अपनी खुशबू है, अपनी सुंदरता है. उसी तरह से हर जो एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन क्वालिटीज, यूनिक क्वालिटीज. And the education should lead to the flowering of that unique personality, the uniqueness of each child. It should not suppress it by the negativity of competition and comparison. So real learning comes when the competitive spirit is seized. जब तक हम competition में किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो हमारा real जो है अधिगम जो है वो नहीं संभव है. तो इस तरह से अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कृष्णमूर्ति के अभी हमने एक मोटा ही जो उनकी क्या फिलोसफीज अभी तक है, क्या वो बात करते हैं, अनकंडीशन माइंड की बात करते हैं, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, ही डिनाउंसेस ऑल अथॉरिटी, ही इज एंटी फाउंडेशनल, हिज टोटल फिलोसफी इज एंटी फाउंडेशनल, ही इज डिनाउंसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी, और वो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एनालिसिस और की बात करते हैं, इंटरनल ब्लूमिंग की बात करते हैं जिससे कि समाज में परिवर्तन आ सके. तो ये उनकी फिलॉसफी थी. उसके आधार पे अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन बात करें, तो उसको फ्लावरिंग ऑफ गुडनेस, उनका मुख्य जो है द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू एनकरेज एवरी पीपल टू ब्रिंग अबाउट द फ्रीडम एंड द लव. जो फ्रीडम, स्वतंत्र करें हर बच्चे को, बिल्कुल वो फ्री हो, फ्री फ्रॉम ऑल फियर, फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशंस एंड लव, एंड दैट ही नेम्स इट एज द फ्लावरिंग ऑफ गुडनेस. और इसी के द्वारा जो है, ये जो इंटरनल जो साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इसके द्वारा ही इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. अदरवाइज जितने भी प्रकार का हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज सुपरफिशियल इन नेचर. It is only by this flowering of goodness that the complete transformation of society is possible. Jis tarah se jaise wo bhi baat karte hain, it is the medium of manifesting the inherently hidden inside the man. To jaise Vivekananda kehte hain ki it is manifestation of the hidden qualities inside the human being, usi tarah se ye bhi man making ki baat karte hain, ek integrated इंडिविजुअल, इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग बनाने की बात करते हैं. और शिक्षा का काम है कि जो भी इनहेरेंटली हिडन क्वालिटीज है उसको वो फ्लावरिंग करें, उसका वो जो है उसको वो बाहर निकाले. डेवलपमेंट ऑफ फियरलेस इंडिविजुअल्स. उनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो फियरलेस ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि किसी भी प्रकार का फियर जो है, उनका मानना था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें रोट लर्निंग को एनकरेज किया जा रहा है, उससे कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं जिससे कि जो इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है,
एनालिसिस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वह कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, उसको हम दबाव देते हैं और ज्यादा हमारी जो शिक्षा है वो रोट लर्निंग को प्रमोट करती है, इमिटेशन को प्रमोट करती है, नकल करने को प्रमोट करती है, जिससे कि जो इनबॉर्न क्वालिटीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी उसको हम किल कर देते हैं. सो शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का पर्पज होना चाहिए टू गिव द चाइल्ड फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली, फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, freedom from fear, freedom from ideologies, and freedom from being conditioned. तो शिक्षा के माध्यम से जो conditioning है उससे freedom ले, ideologies जो विचारधारा है, पंथ है, उससे freedom ले, freedom from fear and freedom to express. Spirit of inquiry, पूरी तरह से अगर एक जिस्ट में अगर उनके उनके aim को अगर हम कृष्णमूर्ति के शिक्षा के लक्ष्य को बात करें तो वो spirit of inquiry की बात करते हैं. Children should be encouraged to explore, to question, to inquire. And लेकिन जो हमारी शिक्षा है, हम कहीं ना कहीं बच्चों को slave बनाना चाहते हैं. Socialization, समाजीकरण की प्रक्रिया से हम उसको समाज की जो हमारे जो evils है, जो समाज के हमारा एक structure है, उसमें हम बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उस चाहते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य को free करे. तो और ये जो है उनकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जब भी उन्होंने जैसे कृष्णमूर्ति के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ जब भी कृष्णमूर्ति जाते थे तो वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते थे, तो उनका जो इंटरैक्शन होता था उसमें वो भी जो है डायलॉग फॉर्म में रहता था, डिस्कशन. एंड ही ऑलवेज प्रमोटेड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हाट, क्वेश्चन आवर इनहेरिटेड बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे कल्चर्स हैं, जिसके कारण जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, जिसके कारण जो हमारे बिलीव्स हैं, डॉगमास है, उसको क्वेश्चन करने की स्पिरिट जो है सही शिक्षा शुड बी एबल टू डेवलप. देन ही टॉक्स ऑफ अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, शिक्षा का उनका उनकी पूरी शिक्षा में का अगर एजुकेशनल एम देखें तो वो इंटेलिजेंस यानी विवेक, यहाँ पर उनका अभिप्राय विवेक से है कि सिर्फ नॉलेज नहीं, इट शुड बी आवर एजुकेशन शुड बी एबल टू अवेकन द इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस फॉर हिम इज सेंसिटिविटी, इंटेलिजेंस फॉर हिम इज समथिंग यू कैन ऑब्जर्व बीइंग अनकंडीशनड एंड फ्री. सो एफर्ट शुड बी डन टुवर्ड्स द अवेकनिंग ऑफ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस सो दैट ही नॉट ओनली इमिटेट द थिंग्स बट डील इंटेलिजेंटली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. तो वो जो है एक इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग who can understand and perceive the problems in their own way, ऐसे intelligence के awakening जो है शिक्षा के माध्यम से creativity. कृष्णमूर्ति जो है, जो हमारा conventional education system है जिसमें कि rote learning है, repetitive tests है, जो सेट पैटर्न है, उसकी उसकी उन्होंने बहुत आलोचना की है और वो चाहते हैं कि बच्चों की जो नैसर्गिक क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था में वह जो है दब जाती, हम दबा देते हैं. तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिएटिविटी को बिल्ड करे, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, जिससे कि वो क्वेश्चन कर सके. एक नए सामाजिक ऑर्डर की वो बात करते हैं. उनका मानना है कि हम जो है अपने चाहे हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसके द्वारा वी ट्राई टू फिक्स द चाइल्ड इन सेट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी. और उनका मानना है जो हमारी सोसाइटी है वो एज ए होल करप्ट है, जिसमें कि एनवी, जेलसी, कॉम्पिटिशन, एंगर, रिवेंज, ये सब चीजें जो है वो बहुत फ्लरिश कर रही है, जहाँ की मनी, पावर, प्रेस्टीज, इन चीजों को हम अहमियत ज्यादा देते हैं. तो शिक्षा के माध्यम से ये जो हमारे समाज के जो एविल्स हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज जो एक तरह से इस पेटी फीलिंग से जो ग्रसित है, हम समाज की इन ऐसे नए सोशल ऑर्डर क्रिएट करें बाय वे ऑफ अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी थ्रू द राइट एजुकेशन. तो एक नए सोशल ऑर्डर को बनाना
उनका मानना था ओनली बाय बीइंग इंटेलिजेंटली फ्रीइंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम एनवी एंड द थर्स्ट फॉर पावर कैन अ न्यू सोशल ऑर्डर बी एस्टैब्लिश्ड, और उसके द्वारा ही समाज में जो है, वर्ल्ड में जो है, विश्व में जो है, शांति जो है स्थापित हो सकती है। जब तक कि जो वो जो नैरो पेटी पेटी डिविजन्स हैं, पेटी हमारे साइकोलॉजिकल जो करप्ट माइंड्स हैं में जो पेटीनेस है, उससे हम ऊपर उठने की कोशिश, शिक्षा ही वो माध्यम है जो कि इमेंसिपेशन ला सकता है। एंड देन अनदर एम कैन बी सेड टू बी एज द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, वो एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसका कि माइंड बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट जो है सब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हो, समन्वित हो, एंड दैट कृष्णमूर्ति कंसिडर्ड एज अ मेजर गोल, मेजर एम ऑफ एजुकेशन टू हैव ए इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, जिसको कि उन्होंने फ्लावरिंग नाम दिया था कि फ्लावरिंग ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम शिक्षक की भूमिका की बात करें तो जय कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है, सबसे पहले ये बता दें कि जय कृष्णमूर्ति के हमारे भारत में बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि जय कृष्णमूर्ति की जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, जो उनकी थिंकिंग है, उसके अनुरूप जो है विद्यालय है। जैसे कि हमारा राजघाट वाराणसी में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का विद्यालय है, राजघाट बेसेंट स्कूल, ऋषि वैली स्कूल है आपका, देन देयर इज स्कूल्स इन बैंगलोर, सह्याद्री, पुणे एंड अदर प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया, देयर आर मेनी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल्स व्हिच आर बीइंग रन लुकिंग इनटू द फिलॉसफी ऑफ जय कृष्णमूर्ति, बेस्ड ऑन हिज फिलॉसफी। तो उन्होंने शिक्षकों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। उनके अनुसार से एन एजुकेटर इज नॉट मेयरली अ गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेटर जो है वो एक मेयरली गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारा शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसके भीतर विजडम हो, ट्रुथ हो। और उनका ये मानना है कि जो शिक्षक है वो लाइक ए फ्रेंड, लाइक ए फिलोसोफर, लाइक ए गाइड होना चाहिए, और जब तक जो शिक्षक के भीतर ही जो गुण जैसे कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस की जो वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और विजडम की बात करते हैं, वो हमारे शिक्षकों में वो आंतरिक गुण होना चाहिए जिससे कि वह जो है बच्चों में वह गुणों का तक वो ट्रांसमिट कर सके। द टीचर शुड मस्ट नॉट बी एम्बिशियस, द टीचिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन, जब तक हम टीचिंग का जो प्रोफेशन है एज ए मीन्स टू एक्वायर पोजिशन, अगर हम टीचिंग को के माध्यम से कोई विशेष अथॉरिटी और पावर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो वह वैसे टीचर्स जो है वो सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उनका मानना है कि टीचर्स हैव द प्राइमरी प्लेस इन एन एनलाइटेंड सिविलाइजेशन, for true culture is founded not on engineers and technicians but on educators। तो वो शिक्षक की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, उनमें वह जो बच्चों में जो वो आंतरिक जो इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना, जो ट्रुथ है उस ट्रुथ तक पहुंचने के लिए उनको जो सेल्फ डिस्कवरी का जो पाथ है उसके लिए उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनकी जो ब्लूमिंग है, ब्लूमिंग एंड फ्लावरिंग ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उस ये सभी जो है इसके लिए शिक्षकों में बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है, जैसे कि वह जो है बहुत लव होना चाहिए टीचर के भीतर, अफेक्शन होना चाहिए, द टीचर मस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिस ऑल दिस कंडीशन एंड जो भी समाज में जैसे कास्टिज्म है या रीजनलिज्म है, इस तरह की जो भी हमारे समाज की जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, जो डॉगमाज है, बिलीव्स है, उससे जब तक टीचर फ्री नहीं होगा तब तक वह बच्चों में सही गुणों का विकास नहीं कर पाएगा। अगर हम कृष्णमूर्ति के टीचिंग मेथड्स की बात करें तो कृष्णमूर्ति जो है अगेन जैसे कि उन्होंने पाथलेस शुरू में ही उन्होंने वो पंथ किसी पंथ को सेक्ट को वो बिल्कुल त्याग देते हैं और वो इतने बड़े वो विश्व गुरु प्रोक्लेम किए जाते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको वो छोड़ देते हैं, उससे वो अलग हो जाते हैं, त्याग कर देते हैं। तो एक तरह से वो किसी भी जो फिक्स्ड मेथड है, जो फिक्स्ड पद्धति है, उस ही इज बीइंग ऑलवेज अगेंस्ट दैट। तो यहाँ पर भी जो है वो कृष्णमूर्ति हैज नेवर प्रिस्क्राइब्ड एनी फिक्स्ड मेथड एज अ मींस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन,
और उनका मानना है कि जो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वनसेल्फ इज द वे टुवर्ड्स चेंज, वो मानते हैं, एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ इज टाइमलेस एंड पाथलेस। तो इस तरह से वो कोई किसी फिक्स्ड टीचिंग मेथड की बात वो नहीं करते हैं, एंड सो ही हैज नॉट सजेस्टेड एनी स्पेसिफिक मेथड, रादर ही हैज इंट्रस्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीचर्स कि वो जो है अपना मेथड जो है वो खुद चुने। रादर वो बहुत ज्यादा जो टीचर ट्रेनिंग की बात है, टीचिंग टेक्निक की हम बात करते हैं, उसको भी वो बहुत नकार देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह से जो है मैकेनाइज्ड जो टीचिंग स्किल्स है या मेथड्स है, टेक्निक्स है, इसके माध्यम से हम शिक्षा जो है वो सही शिक्षा नहीं दे सकते। सो ही सेज दैट देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी मेथड एंड हिज मेथड्स आर मेनली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फियरलेसनेस, जिससे कि हम बच्चों में भय भय मुक्त उनको कर सके, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चों को हम फ्री कर सके, स्वतंत्र कर सके, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ नॉलेज, बच्चों को जो है स्व ज्ञान, स्व अवलोकन, स्व विश्लेषण की तरफ हम प्रेरित कर सके, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, जो कंपेरिजन है, जो कॉम्पिटिशन है, उसको अलग कर सके, एंड वी कैन डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, गहन चिंतन और मनन बच्चों के भीतर विकसित हो। ऐसे को इस प्रकार के इन सिद्धांतों के अनुरूप जो है हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। तो उनके विद्यालयों में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो है कृष्णमूर्ति खुद जब बच्चों से इंटरेक्ट करते थे तो वो डायलेक्टिकल मेथड फॉलो करते थे, तो ज्यादातर जो है डिस्कशन मेथड को उन्होंने बहुत उपयुक्त माना है, ऐसे डायलॉग फॉर्म में डिस्कशंस एंड क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चे उनसे प्रश्न करते थे, बच्चों के साथ वो डायलॉग करते थे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए वो प्रमोट करते थे और फिर वो जो है उसका उत्तर देते थे। तो जनरली उन्होंने इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रोग्रामेटिक मेथड्स हैं, ज्यादातर जैसे लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सभी विधियों को हम देखते हैं कि कृष्णमूर्ति के स्कूलों में ज्यादातर ऐसी विधियों को, प्रोग्रामेटिक मेथड विधियों को फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि कृष्णमूर्ति जो है वो बिल्कुल जो बाहरी डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट है, विरोध में है। एंड अकॉर्डिंग टू कोट एज कृष्णमूर्ति ही टेलिंग, डिसिप्लिन इज द कंडीशनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द स्टूडेंट हु इनवर्डली डिसइंटीग्रेट्स। It involves suppression, resistance, and opposition. It is a barrier to the understanding of inner disorder. So, किसी भी प्रकार का जो बाहरी discipline है, that ultimately is harmful for the internal integration of the child. तो वो inwardly जो है बच्चों को disintegrate करता है। तो इस तरह का कोई भी जो outward discipline है वो superficial है, incomplete है, और उससे बच्चों में जो आंतरिक जो है द्वंद्व जो है वो पैदा होता है। सो इस तरह से, और जो भी हम चाहे वो किसी भी रिलीजन के ही माध्यम से या पंथ के माध्यम से भी हम एक तरह से डिसिप्लिन अपने ऊपर इम्पोज करते हैं, बच्चों पे इम्पोज करते हैं, बच्चों को जन्म से ही अगर वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ है या इस्लाम में है, तो हम उसके ऊपर सेट जो हमारे बिलीफ है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थॉट्स है, वो थोप देते हैं और एक डिसिप्लिन थोपते हैं उसके ऊपर, जो कि बच्चों को इनवर्डली जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है, इनवर्डली उनके द्वंद्व को पैदा करता है। तो इस प्रकार का कोई भी जो बाहरी डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको वो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही हानिकारक मानते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। And in fact, he has never used the word discipline. He often uses the word order. Order शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, और उनका मानना है कि जो डिसिप्लिन है वो कन्फर्मिटी लाता है, इमिटेशन लाता है, ओबीडियंस लाता है, जो कि हमारे इंटरनल फ्लावरिंग या इंटरनल जो हमारा पाथलेस जर्नी ऑफ टूवर्ड्स नॉलेज एंड ट्रुथ है, उसको वो हिंडर करता है, तो नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हिम, डिसिप्लिन मीन्स टू लर्न, not to confirm, not to suppress, not to imitate other pattern. In it are involved several things: to learn, to be austere, to be free, to be sensitive, and to see the beauty of love. To discipline के द्वारा जो है आप sensitive होते हैं, free होते हैं, आप perception build करते हैं, and discipline is freedom. For him, discipline is freedom.
पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो कृष्णमूर्ति की शिक्षा जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही है, वो साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात करती है, वो सेल्फ एनालिसिस सेल्फ डिस्कवरी की बात करती है. तो मेनली हिज एजुकेशनल करिकुलम एजुकेशन करिकुलम ऑफ हिज एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड इन नेचर. एक इंटीग्रेटेड समन्वित समेकित पाठ्यक्रम की बात वो करते हैं. और एक और चीज जो बहुत अहम है, ही इज ऑल्सो जैसे कि अगर हम बात करें, अगर उन पे हम इन्फ्लुएंस देखें कि किस किन फिलोसफीज का इन्फ्लुएंस है, तो एक तो ह्यूमैनिस्टिक फिलोसफी जो है, जो ह्यूमैनिज्म है, जो मानवतावादी सिद्धांत है, उनका इन्फ्लुएंस हम उन पे बहुत देखते हैं. और दूसरा जो है प्रैग्मेटिज्म भी है, क्योंकि वो जो भी चीज वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ कोई भी ऐसे फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड जर्नी की बात वो नहीं करते हैं. प्रयोजनवादी जो भी उपयोगी है उस अनुरूप वो कह रहे हैं कि शिक्षा की पद्धति जो है होनी चाहिए. और तीसरा जो है नेचुरलिस्ट. ऑल हिज कृष्णमूर्ति स्कूल्स आर लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ नेचर, बिल्कुल जो है प्रकृति के पास जो है. ज्यादातर उनके विद्यालय सब है प्रकृति के से ही, चारों प्रकृति के भीतर ही उन्होंने अपने विद्यालयों की स्थापना हुई है कृष्णमूर्ति स्कूलों की. तो वो बहुत जो है एनवायरमेंट के प्रति, जो नेचर है प्रकृति के प्रति जो है उनका लगाव जो है वो बहुत देखने को मिलता है. और उन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज जो है इस तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज की शिक्षा पर भी पाठ्यक्रम में बहुत जोर जो है दिया है. एक उनका कोट मैं वही यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि किस तरह से वो जो है उन पर जो है नेचर का या एनवायरमेंटलिस्ट नेचुरलिस्ट प्रभाव उनके ऊपर कितना ज्यादा था, कि वो कहते हैं कि व्हेन वन लूजेस द डीप इंटीमेट रिलेशनशिप विद नेचर देन टेम्पल्स मॉस्क्स एंड चर्चेस बिकम इम्पोर्टेंट. तो वो मानते हैं कि जो टेम्पल्स है, मॉस्क्स है, चर्चेस, ये जो है ये तो एक्सटर्नल इम्पोजिशंस है, दीज आर मैन मेड. एंड जब हम इंटीमेट रिलेशनशिप जब हमारा नेचर से होता है, तब हमें किसी टेम्पल किसी मॉस्क में जाने की आवश्यकता नहीं होती है. नेचर इन इटसेल्फ इज अ वेरी बाउंटीफुल ऑफ ब्यूटी लव एंड दैट लीड्स टू आवर इनहेरेंट गुडनेस. तो हमें नेचर के समीप होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग मोरालिटी अपॉन अस थ्रू डिफरेंट रिलीजियंस. स्कूलों की बात करें तो कृष्णमूर्ति का जो विद्यालय है, कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए, इट इज अ प्लेस वेयर अ चाइल्ड इज बेसिकली हैप्पी, जहां पर बच्चा जो है एक आंतरिक आनंद. फॉर हिम द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ स्कूल शुड बी समथिंग इन विच इज फ्री फ्रॉम एनी फियर, किसी भी प्रकार के भय से जो है वो मुक्त होना चाहिए. स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए, द चाइल्ड शुड बी हैप्पी फ्री फ्रॉम एनी फियर एनी बुलिंग एंड अदर थिंग्स. एंड इट इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन फ्लावर एंड वेयर अ फ्यूचर जनरेशन कैन बी प्रिपेयर्ड. तो वो फिर फ्लावरिंग की बात करते हैं. अगेन ही हैज यूज्ड द वर्ड फ्लावरिंग व्हिच हियर इंप्लाइज एन अनफोल्डिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल्स. फ्लावरिंग से मतलब है कि जो हमारी चेतना है उस चेतना को हम कैसे जागृत करते हैं, जो हमारी इनर इंटेलिजेंस है, इनर क्वालिटीज है, उसको हम कैसे जागृत करते हैं, रादर देन एक्वायरिंग द सुपरफिशियल मैकेनिकल एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स. स्कूल के एनवायरमेंट की बात करें तो वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट की बात करते हैं. उनका मानना है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है. जब हम बच्चों में कंपेयर करते हैं, कंपटीशन की करते हैं, तो बच्चों की जो यूनिकनेस होती है वो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड जो बच्चों में एक डर, भय, प्रतिस्पर्धा, जेलसी, फियर, ऐसे जो निगेटिव है क्वालिटीज हैं उसको हम बिल्डअप करते हैं बच्चों में. तो स्कूल एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए वेयर द स्टूडेंट्स डेवलप वेरियस लाइफ स्किल्स एंड सोशल स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन, क्रिएटिविटी, सेल्फ इनिशिएटिव, सेल्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क, एंड दे फ्लावर होलिस्टिकली, जिससे कि उनकी फ्लावरिंग, उनकी ब्लूमिंग जो है बिल्कुल होलिस्टिक, बिल्कुल हारमोनियस डेवलपमेंट उनका हो. सो हम लोगों ने देखा कि उनकी फिलॉसफी जो है वो किस तरह से वो पाथलेस ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड की बात करते हैं. वो कोई भी जो अथॉरिटी है
किसी भी प्रकार का जो पंथ है अपने ऊपर, किसी भी पंथ से, किसी संप्रदाय से, किसी विचारधारा से वो बंध के नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि जब तक एक व्यक्ति जो है इन सभी से फ्री नहीं होता है, एन अनकंडीशन माइंड कैन ओनली लर्न, कैन ओनली ऑब्जर्व, तब तक अन्यथा जो है हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, हम बंध कर रह जाते हैं, फियर में रह जाते हैं। कंडीशन माइंड इज अ माइंड बाउंड बाई चेन्स एंड इज फियरफुल, तो हम नहीं सीख सकते। तो किस तरह से उन्होंने बिल्कुल जो अथॉरिटी है, जो डॉगमाज है, बिलीव्स है, उसको बिल्कुल डिनाउंस करते हैं। सो इन वे वी कैन से दैट ही इज अ ट्रूली अ रिवोल्यूशनरी टीचर। ये एक ऐसे एकमात्र शिक्षक है जिन्होंने कहा यू हैव टू बी योर ओन टीचर एंड योर ओन डिसिप्लिन डिसाइपल। और उनका मानना है कि एजुकेशन जो है जीवन पर्यंत एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, किसी भी इट इज ए पाथलेस लैंड, द जर्नी जर्नी ऑफ एजुकेशन, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, द जर्नी ऑफ सेल्फ एनालिसिस इज ए पाथलेस, इज टाइमलेस एंड डजंट नीड एनी गुरु, एनी टीचर, नो बुक, नो रिलीजियस टेक्स्ट कैन गिव अस दैट जर्नी, हैज टू बी आवर ओन। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी फिलॉसफी जो बुद्ध की फिलॉसफी है, बुद्धिज्म है, उससे बिल्कुल बुद्ध के की बातों से होती है। वो साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो बच्चों में जो है वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिशंस ना हो, बल्कि बच्चे जो है को हम प्रश्न पूछने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम उनको प्रमोट करें, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक इंटीग्रेटेड ब्लूमिंग ऑफ पर्सनैलिटी की वो बात करते हैं। एंड ही वॉन्टेड ए टेक्निक फ्री नेचुरल एजुकेशन जो कि टीचर सेंटर्ड ना हो, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, और हर बच्चा अपनी गति से अपने अनुरूप जो है शिक्षक करे। तो अंत में एक और कोट में जय कृष्णमूर्ति का कहना चाहूंगी। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देयर इज नो एंड टू एजुकेशन, इट इज नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन, फिनिश विथ एजुकेशन। शिक्षा जो है ऐसे किसी एग्जाम पास करके, किसी किताब को पढ़ करके खत्म नहीं होती है। द होल ऑफ लाइफ फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टू द मोमेंट वी डाई इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इस तरह से जो है कृष्णमूर्ति जो है वो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कृष्णमूर्ति जो है अपने आप को कोई विशेष पहचान, किसी विशेष विचारधारा से अपने आप को अलग करते हैं। उनका मानना है कि ट्रुथ जो है एक पाथलेस लैंड है, एंड द राइट एजुकेशन इज टू अवेकन आवर कॉन्शियसनेस, इज टू अवेकन आवर इंटेलिजेंस, एंड द राइट आवर एजुकेशनल एनवायरमेंट, आवर स्कूल एनवायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिशंस, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपेरिजन, देन ओनली जो वो कहते हैं कि द ब्लूमिंग, द इंटरनल ब्लूमिंग ऑफ द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ द चाइल्ड कैन बी फुलफिल्ड। तो इस तरह से उनकी जो विचारधारा है वो काफी रिवोल्यूशनरी है, इसीलिए उनको वन ऑफ द 20th सेंचुरी का वन ऑफ द सेंट्स माना गया है। उनको ये माना जाता है कि वह जो है ही इज ट्रूली अ वर्ल्ड टीचर, विश्वगुरु है वो। और उनकी विचारधारा आज जिस हम देख रहे हैं कि समाज में जिस प्रकार का केओस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉम्पिटिशन है, आपसी द्वंद है, कहीं भी पीस नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, हम सभी मटेरियल जो युग है, जो कंज्यूमरिस्ट युग है, उसमें बंधे जा गए हैं हम। बहुत ज़्यादा जो है धर्म को लेकर के ही आपस में किस तरह से धर्म और राष्ट्र, इन सभी विभाजनों में हम बटे हुए हैं, और इसमें हम there are so much of conflicts and unrest is there, so much of violence is there in the all over the world, so so much of तो इन सभी का जो है इन सभी के से वो अगर इन सब जो भी समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी की बात करें, कृष्णमूर्ति के जो दर्शन है उस पर अगर हम विचार करें, अगर हम अपने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम कृष्णमूर्ति के विचारों का अगर हम अनुपालन करते हैं, तो बहुत सारी जो हमारी अभी शिक्षा व्यवस्था में जो आज कमियां हैं, समाज में जो बहुत सारे समस्याएं हैं,
उनसे जो है हम वी कैन हैव सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे था कि कुछ किताबों के नाम बताने के नाम है, तो उनकी कुछ किताबें जैसे है कि जब वो मात्र 15 साल के थे तो उन्होंने किताब लिखी थी एट द फीट ऑफ द मास्टर, जो कि 1910 में उन्होंने लिखा था, यह किताब भी उनकी बहुत फेमस है। दूसरा है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, यह किताब भी उनकी बहुत ही फेमस किताब है, एंड देन द फ्रीडम फ्रॉम द नोन। ये तीन किताबें इनकी जो है, और भी बहुत सी किताबें हैं। तो ही हैज गिवन इननूमरेबल स्पीचेस, डायलॉग्स। जब वो कृष्णमूर्ति के स्कूल विद्यालयों में जाते थे तो वो बच्चों के साथ डायलॉग फॉर्म में डायलॉग करते थे, एंड दोज डायलॉग्स आर नाउ बीइंग कंपाइल्ड इनटू बुक्स व्हिच आर अ ट्रू ट्रेजर अबाउट हिज पर्सनैलिटी, हिज थिंकिंग। तो इस तरह से ही मैं जो हूँ अपनी बातों को अब विराम देना चाहती हूँ, एंड हाउ विल आई सी व्हाट क्वेश्चंस यू हैव बीन आस्क्ड। थैंक यू अमृता मैम, द क्वेश्चन व्हिच वर आस्क्ड बाय द व्यूअर्स वर एडेड टू द स्क्रीन। नाउ आई कैन सी, थैंक यू। इज देयर ज्ञानवर्धक, एक क्वेश्चन ही था वो किताब का, बुक्स, तो बुक्स का तो मैंने बता दिया और बाकी तो दिख नहीं रहा है। समय के हिसाब से मैंने जो है, मेरी पीपीटी बिल्कुल दिख रही थी ना। यस मैम, शुड वी एंड द सेशन? यस यस, सो आई थिंक इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। एंड थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टीचर एजुकेटर, thanks to especially to Dr. Somu Singh that you have given me this opportunity, and that too especially talk on J. Krishnamurti. I belong from, I am assistant professor in Vasanta College for Women, which is an institute under the Krishnamurti Foundation. तो कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी को मैंने बहुत करीब से वहाँ के विद्यालय में भी मैंने देखा और हमारे महाविद्यालय में भी, तो उनकी फिलॉसफी के विषय में कहना मुझे बहुत अच्छा लगा, और I think I have tried to bring out whatever the gist of his philosophy is, I have tried to convey. Aur jo hai iske liye bahut bahut dhanyawad ki. Again, there is one question. Yes ma'am, there is a question. तो अगर हम देखें तो कृष्णमूर्ति को हम कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्ध जैसे वो, उन्होंने पूरी तरह से पाथलेस लैंड की बात की, ही डिनाउंस्ड ऑल अथॉरिटी, ही डिनाउंस्ड एनी सेक्ट, एनी रिलीजन। तो यहाँ पे वो जब डिनाउंस करते हर चीज को, वो कहते हैं कि ये ट्रुथ जो है, इट इज अ जर्नी विद इन आसल। तो वहां तो मुझे वो बिल्कुल बुद्ध की जो फिलॉसफी है अपदीपो भवा, वहां से मुझे लगता है कि बुद्ध की फिलॉसफी से वो बहुत इंस्पायर्ड है। दूसरा, उनके जो और भी दूसरी जो भी विचारधारा है, प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म से प्रभावित है, नेचुरलिस्ट फिलॉसफी जो है नेचर के समीप, इनका भी मानना है कि बच्चों को नेचर के अगर हम समीप रखते हैं, जितना हम नेचर के पास जाते हैं उतना जो ये आंतरिक जो हमारी जो सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस जर्नी जो है वो शुरू होती है, और जो बाहरी दबाव है, बाहरी जो हम थोपा हुआ जो हम डिसिप्लिन थ्रू रिलीजन थ्रू सेक्ट, उसकी आवश्यकता को वो बिल्कुल नकारते हैं। तो एक तरह से बिल्कुल रिवोल्यूशनरी है, ही इज रिवोल्टिंग टू द अथॉरिटी, रिवोल्टिंग टू द टोटल, और एक तरह से उनकी फिलॉसफी बुद्ध के करीब है, कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक भी है क्योंकि वो किसी एक मेथड की बात नहीं करते हैं, नेचुरलिस्ट भी है और मानवतावादी। आई थिंक हिज होल फिलॉसफी को अगर मुझे वो विवेकानंद के भी बहुत करीब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि विवेकानंद ने भी मैन मेकिंग की बात की है, ये भी एक इंटीग्रेटेड सेल्फ की बात कर रहे हैं, और पूरी जो वो कह रहे हैं कि द राइट एजुकेशन शुड एम एट डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सेल्फ एंड आवर माइंड बॉडी एंड सोल, द इंटीग्रेटेड सेल्फ ऑफ अ माइंड बॉडी एंड सोल। तो वहाँ भी जो है वो उनकी जो फिलॉसफी है वो मानवतावादी है, वो अपने आप को सिर्फ उन, वह मानते हैं कि व्यक्ति की सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए, वो ऐसे ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, ऐसे मानव होनी चाहिए, जब तक वो किसी संप्रदाय धर्म और इनमें बंधा रहेगा तब तक वो फ्री नहीं है, और जब तक जो फ्री नहीं है वो कुछ भी नया सीख नहीं सकता है।
Ma'am, does his philosophy is implemented in 21st century education system? If yes, then how it change our current education system? तो उनकी फिलॉसफी जो है वो तो पूरी तरह से जो हम जिस कंपटीशन में हैं, जिस कंपैरिजन में हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं हम, एग्जामिनेशन कर रहे हैं बच्चों को हम, रोट लर्निंग, इन सब के वो विरुद्ध में हैं। तो आज जो हमारी ज्यादातर जो शिक्षा पद्धति है, जो बिहेवियरिस्ट जो हमारा पैराडाइम रहा, अगर हम अपने पाठ्यक्रम को बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के दायरे से देखें, तो जो बिहेवियरिस्ट पैराडाइम कहा जिसमें लर्निंग आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहा और जिसमें एक निश्चित हम पहले से तय कर लेते हैं कि बच्चों में हमें क्या परिवर्तन लाना है, तो उस दायरे से वो बाहर निकल गए। तो लेकिन आज जो जैसी शिक्षा पद्धति है जो कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रभाव जो है, संरचनावाद का प्रभाव जो है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम पे बहुत है। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म में भी वही बात करते हैं, टू एक्सप्लोर, टू एक्सपेरिमेंट, टू इन्वेंट, टू इनिशिएट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और यही बात जो है कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। तो आज बहुत सारे जो हमारा पाठ्यक्रम है, अगर हम NCF 2005 भी देखें तो वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात कही जा रही है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, और साइंटिफिक आउटलुक की बात है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात है। तो उनके बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं वो हमारे शिक्षा पद्धति में है, और उस अनुरूप जो है आज हमारा जो शिक्षण विधियाँ भी जो है उसमें मेनली बाय स्पिरिट ऑफ सेल्फ लर्निंग या सेल्फ डिसिप्लिन, ये इन पद्धतियों को हम अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से उनकी जो विचारधारा है वो आज भी हमारे शिक्षा में कहीं ना कहीं बिल्कुल समन्वित नहीं हो पाई है। ये एक तरह से दुर्भाग्य है, क्योंकि कुछ जो हमारा सेट पैटर्न होता है, हमें CBSE है या जो एक हम फिक्स बोर्ड में जैसे ही हम जाते हैं तो हम एक फिक्स पैटर्न में चले जाते हैं, और कृष्णमूर्ति मानते हैं कि हमें फिक्स पैटर्न में हम बच्चे को का जो आंतरिक विकास है उसको हम रोक देते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट हो सकती है तो जो भी आज जो हमारे समाज की ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बायसेस है, जो प्रेजुडिसेस है, जो डिविजन्स है, अगर हम उनकी फिलॉसफी को माने तो बहुत हद तक उन समस्याओं के निराकरण पर हम आ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया है, और शायद कहा गया है कि PDF को शेयर करने के, तो मैं PPT शेयर कर दूंगी, मैं अभी PPT जो है WhatsApp पे भेज दूंगी, और इट इज अवेलेबल फॉर यू। अमृता मैम, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस, द सेशन वाज रियली good because I have also learned many things during the session, and his ideas, I mean Krishnamurti's ideas, are really a solution for the most of social problems we are facing right now. With these words, I want to thank you for the time and effort you have put here. Thank you, ma'am. And I again thank the, I also thank the viewers that they have watched this program, and even the organizers that this opportunity was given, and so thanks once again. So shall we end this session now? Yes, ma'am.